Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. On the opening day of the third and final cricket test match between Pakistan and England, Pakistan, in reply to England's first innings score of 267, was 73 for the loss of 3 wickets at close of first day's play. They still trail by 194 runs. Both the not out batsmen, Shan Masood, the captain, and Sajid Khan, were unbeaten on 16. And they both have so far put on 27 runs for the fourth wicket partnership. Yes, 27 of 56 balls. Shan Masood scored 10. And so Shakeel contributed 16 runs in the partnership. इस मैच में जो कि सीरीज का डिसाइडर है, क्योंकि सीरीज एक एक से बराबर है, इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और फेजेस आपको नजर आएगा. स्टार्ट बहुत अच्छा, फिर पाकिस्तान ने ऊपर नीचे विकटें हासिल की, पाकिस्तान वापस में आया, लेकिन फिर उसके बाद से सातवीं विकेट की पार्टनरशिप जो है वो इंग्लैंड को वापस मैच में लेकर आई. जी हाँ, लेकिन ओपनिंग विकेट की पार्टनरशिप बिटवीन जैक क्रॉली एंड बेन डकेट, दे बोथ पुट ऑन 56 रन फॉर द फर्स्ट विकेट इन जस्ट 14 ओवर्स. तो दे वर गोइंग ग्रेट गन एंड हैव लॉस्ट द फर्स्ट विकेट. जैक क्रॉली जो है आउट होने वाले पहले बैट्समैन, इन्होंने 43 गेंदों पे 3 चौकों की मदद से 67 के स्ट्राइक रेट के साथ 29 रन बनाए. यू स्कॉट बाय साइम यूवा ऑफ द बॉलिंग ऑफ नोमान अली. तो ये पहले बैट्समैन आउट होते हैं और इसके बाद से फिर दूसरी विकेट 70 के स्कोर पर मजीद 14 रन का इजाफा और उनके वन डाउन बैट्समैन ओली पोप आउट होते हैं. इन्होंने 3 रन बनाए, इनको लेग बिफोर आउट किया साजिद खान ने. 14 गेंदों पर 3 रन बनाए और स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट साजिद खान, और साजिद खान अपने उसी अंदाज में जिसना पहली इनिंग में मुल्तान के दूसरे टेस्ट मैच में परफॉर्म किया वैसी ही परफॉर्मेंस दौर. और इंग्लैंड का आगाज़ अगर देखा जाए तो पहली विकेट जो है वो 56 के स्कोर पे, पहली विकेट की पार्टनरशिप सिर्फ 14 ओवर में 56 रन बनते और आउट होने वाले पहले बैट्समैन जैक क्रॉली, उनके ओपनिंग बैट्समैन 29 रन बनाए 43 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से, 67.44 इनका स्ट्राइक रेट एंड ही वॉज स्कॉर्ड बाय साइम अयूब ऑफ द बॉलिंग ऑफ नोमान अली, जिनको आपने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखी पिछले टेस्ट मैच में जहां इन्होंने 11 आउट किए, दूसरी इनिंग में 8 आउट किए, तो यहां इन्होंने पहली विकेट जो है वो नोमान अली ने हासिल की. दूसरी विकेट 70 के स्कोर पे, मजीद 14 रन का इजाफा और इंग्लैंड के वन डाउन बैट्समैन ओली पोप और ये शिकार होते हैं साजिद खान का, जिन्होंने मुल्तान में ज़बरदस्त बॉलिंग की और अपना इम्पैक्ट दिखाया इन द फर्स्ट इनिंग एंड ही वॉज लेग बिफोर बाय साजिद खान फॉर जस्ट 3. 14 गेंदों पर 3 रन बनाए, बैकफुट पर चले गए. इस विकेट पर जो भी बैकफुट पर जाएगा वो अपने लिए खतरे की घंटी है और वही हुआ कि विकेटों के सामने, ऑल्दो के इन्होंने रिव्यू ज़रूर लिया लेकिन उसमें साफ नजर आया कि जनाब ये आउट थे. तो पाकिस्तान को दूसरी विकेट 70 के स्कोर पे, लेकिन सबसे बड़ी विकेट पाकिस्तान को 80 के स्कोर पे मिलती है. इंग्लैंड के जो रूट आउट होते हैं 21वें ओवर में और इन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए, बहुत जल्दी पाकिस्तान ने इनको आउट कर लिया तो पाकिस्तान इंग्लैंड के ऊपर हावी हो गया. इनको भी लेग बिफोर आउट किया साजिद खान ने और ये इन्होंने रिव्यू भी नहीं लिया, ये बाहर चले गए क्योंकि इनको बैकफुट पे सामने विकेटों के बॉल लगी और ये वापस 6 गेंदों पे 5 रन बनाए. तो पाकिस्तान ने 3 विकेटें 80 के स्कोर पे, जहां आगाज़ 56 के स्कोर पे पहली विकेट गिरती है लेकिन फिर 70 पे दूसरी और 80 पे तीसरी और साथ साथ 18 रन के इजाफे के बाद 98 पे चौथी विकेट. जी हाँ, बेन डकेट कहा जाता है स्पिनर्स के अगेंस्ट, बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ खेलते हैं, टेक्निक बड़ी अच्छी है, बिजी रखते हैं, अटैक करते हैं, सेटल नहीं होने देते बॉलर को. इन्होंने 84 गेंदों पे 52 रन ज़रूर बनाए 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 62 के स्ट्राइक रेट के साथ, लेकिन फिर इनको लेग बिफोर आउट किया नुमान अली ने और ये जनाब मशवरा ज़रूर किया इन्होंने हैरी ब्रुक से, लेकिन उन्होंने इनको मशवरा दिया कि जी रिव्यू ना करें, आप आउट हैं और इसलिए बेन डकेट जो है वो 52 रन बना के आउट हुए. चौथी विकेट पाकिस्तान को 26वें ओवर में जब इंग्लैंड का टोटल 98 है, तो चौथी विकेट और फिर 5 विकेट बैक टू बैक दूसरी विकेट हैरी ब्रुक आउट हो जाते हैं. जी हाँ, 27वें ओवर की चौथी बॉल पे हैरी ब्रुक आउट होते हैं, 5 रन बनाए. रिमेंबर के इन्होंने मुल्तान में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 317 रन बनाए थे, 5 के स्कोर पर इनको साजिद खान ने क्लीन बोल्ड कर दिया, राउंड हिज लेग अपनी विकेट को एक्सपोज किया और वहां से इनको क्लीन बोल्ड किया, तो ये ना 5 रन बना के. तो 98 पे आधी इंग्लैंड की टीम जो है वो वापस पवेलियन और फिर मजीद 20 रन के इजाफे के बाद पाकिस्तान ने 6 विकेट हासिल की. इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक आउट हो जाते हैं और इन्होंने भी 12 रन बनाए 22 गेंदों पर 1 चौके की मदद से. कैच पकड़ा इनका, बड़ा ज़बरदस्त रिफ्लेक्स एक्शन होता है साजिद खान की बॉल पर, आगा सलमान ने स्लिप में खड़े हुए एक तेज कट करने गए और भारी किनारा और ज़बरदस्त, मैं कहूँगा कि इतना आसान नहीं है, बहुत नैनो सेकंड से इनके पास रिएक्ट करने के और इन्होंने ज़बरदस्त सा ग्रैब किया और पाकिस्तान को कीमती विकेट दिलाई. तो पाकिस्तान पूरी तरह हावी था इस मौके पे, लग रहा था कि पाकिस्तान इंग्लैंड को 150 से कम पे आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप होती है इंग्लैंड की और पाकिस्तान की कैप्टनसी के ऊपर सवालिया निशान कि जब आपने 6 खिलाड़ी 118 पे आउट कर दिए थे तो बैकफुट पे जाने की क्या जरूरत थी. सातवें विकेट पे
Gus Atkinson aur Jamie Smith ke darmiyan 105 runs ki partnership. Ji haan, 165 gendon pe 105 runs, jisme Gus Atkinson ne 71 gendon pe 39 aur Jamie Smith ne 94 gendon pe 66 runs banaye aur apni team ka total jo hai wo lekar gaye janab 223 ke score pe. Is mauke pe Pakistan ko Gus Atkinson ki wicket milti hai. Cotton bowled by Numan Ali, 39 runs banaye aur 71 gendon ka samna karte hue 5 chaukke inki inning mein shamil hai. 55 inka strike rate aur ye out hoke wapas pavilion. To janab 7th wicket 223 aur fir 8th jo hai 241 nazar aa raha tha ab England ke jo Jamie Smith hai tail ke sath batting mein, unka main ja raha na andaaz aptaunga aur 241 ke score pe 63vein over mein Jamie Smith 89 के स्कोर पे 11 रन की दूरी पे अपनी सेंचुरी से आउट होते हैं. 119 गेंदों का सामना किया, 5 चौके और 6 छक्के इनकी इनिंग में शामिल, 75 इनका स्ट्राइक रेट. कॉट बाय विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ऑफ द बॉलिंग ऑफ साहिद महमूद. यहाँ एक स्लॉग स्वीप टॉप एज लगा और रिजवान ने आगे आके ये कैच पकड़ा और जाहिद महमूद जिन पे ये इंग्लैंड के बैट्समैन अटैक कर रहे थे आखिरकार एक विकेट लेने में कामयाब हो गए. 241 पे इंग्लैंड के 8 खिलाड़ी आउट और फिर 258 पे रेहान अहमद उनके 9वें बैट्समैन आउट होते हैं. विकेट से बाहर निकल के खेलने की कोशिश की और साजिद खान ने उनको रिसीव किया और बीट किया और सीधे स्टम्प्स पर जाके लगी 9 रन बना के ये आउट होते हैं. जबकि 10वीं और आखिरी विकेट जैक लीच की है और जैक लीच ने 16 रन बनाए 21 गेंदों पर और इनको स्टम्प कर दिया साजिद खान की बॉल पर मोहम्मद रिजवान ने. तो इस तरह इंग्लैंड की पूरी टीम 68.2 ओवर में 3.90 की औसत से 267 रन बनाकर आउट हो गई. और पाकिस्तान की अगर बॉलिंग देखी जाए तो जनाब पाकिस्तान की जानिब से पूरे दिन स्पिनर्स ने बॉलिंग की और ये भी कोई शायद रिकॉर्ड ही होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग में तमाम ओवर जो हैं वो स्पिनर्स ने किए, एक भी ओवर फास्ट बॉलर ने किया क्योंकि पाकिस्तान एक ही फास्ट बॉलर के साथ खेल रहा था जो कि आमिर जमाल, लेकिन उनसे बॉलिंग ही नहीं करवाई गई. साजिद खान जिनसे पहला ओवर करवाया गया 29.2 ओवर में 4 मेडन 128 रन देकर 6 विकेटें हासिल की. जी हाँ, 4.35 इनकी इकॉनमी और इनका ये करियर का 3rd 5-wicket हॉल और सीरीज का 2rd 5-wicket हॉल. नुमान अली 28 ओवर में 2 मेडन 88 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की, 3.14 इनकी इकॉनमी. जाहिद महमूद महंगे थे, 10 ओवर में 1 मेडन 44 रन दिए और 1 विकेट हासिल, लकी रहे कि विकेट हासिल कर ली. ये भी काफ़ी शॉर्ट बॉल कर रहे थे, राइट आर्म लेग स्पिनर और बैट्समैन को ड्रैग करके क्रीज से बाहर ना लाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसका विकेट लेना. शॉर्ट बॉल करना, पुल और कट खाना, लेग स्पिनर पुअर बॉलिंग कहलाई जाएगी. सलमान अली आगा 1 ओवर में 3 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की. इन रिप्लाई एट क्लोज ऑफ फर्स्ट डेज प्ले पाकिस्तान 73/3. जी हाँ, पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 73 रन बनाए 23 ओवर बैटिंग करने के बाद. 3.17 की औसत से पाकिस्तान ने बैटिंग की. आगाज़ देखा जाए तो पाकिस्तान का अब्दुल्ला शफीक के ऊपर प्रेशर था और वही पहले आउट होने वाले बैट्समैन 10 ओवर में आउट होते हैं 14 रन बना के 27 गेंदों पर 1 चौके की मदद से और पाकिस्तान का टोटल 35. तब पाकिस्तान को पहली विकेट का नुकसान उठाना पड़ा और अब्दुल्ला शफीक को लेग बिफोर आउट किया. राइट आर्म ऑफ स्पिनर शोएब बशीर ने इन्होंने 14 रन बनाए. दूसरी विकेट 43 के स्कोर पर साय मयूब एक अपिश शॉट खेल गए और हमने देखा कि जो रूट ने इनका कैच पकड़ा और ये 19 रन बना के आउट हो गए. इन्होंने 36 गेंदों का सामना किया, 1 चौका इनकी इनिंग में. कॉट बाय जो रूट ऑफ द बॉलिंग ऑफ जैक लीच. और फिर तीसरी विकेट 46 के स्कोर पे कामरान गुलाम जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में, जो कि पिछला टेस्ट मैच मुल्तान में खेला गया था, सेंचुरी स्कोर की थी पहली इनिंग में. लेकिन यहाँ जैसे ही वो बैटिंग करने आए इंग्लैंड के कैप्टन गस एटकिंसन फास्ट बॉलर को लेकर आ गए. इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक फास्ट बॉलर गस एटकिंसन को बॉलिंग कराने के लिए लेकर आ गए और उन्होंने आते साथ ही पहले ही ओवर में इनकी विकेट हासिल के लिए 2 बॉलें इन्होंने लेफ्ट ज़रूर की लेकिन फिर अपने ऑफ स्टंप को गार्ड नहीं कर सके और शायद बैट थोड़ा लेट आया और बैट और पैड के दरमियान से गेंद होती हुई सीधे ऑफ स्टंप पे जाके लगी. तो इस तरह कामरान गुलाम 9 गेंदों का सामना करते हुए 3 रन बना के आउट हो गए. तो पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी 46 के स्कोर पे 14वें ओवर में आउट होते हैं और उसके बाद से आपने देखा कि मज़ीद 9 ओवर बैटिंग करनी थी पाकिस्तान ने और इस वक्त 9 ओवर में कैप्टन शान मसूद और सऊद शकील ने. शान मसूद ने 32 गेंदों पे 16 जबकि सऊद शकील ने 34 गेंदों पे 16 रन बनाए. तो पाकिस्तान ने 73 रन बनाए हैं 3 विकेटों के नुकसान पर और पाकिस्तान को अभी भी इंग्लैंड की पहली इनिंग की बर्तरी ख़त्म करने के लिए मज़ीद 194 रन चाहिए और पाकिस्तान की 7 विकेटें बाकी हैं. इंग्लैंड की आज के दिन की बॉलिंग देखी जाए तो जनाब इंग्लैंड की जानिब से जैक लीच 10 ओवर में 33 रन देकर 1 विकेट हासिल की. इंग्लैंड ने भी आज का दिन का आगाज़ स्पिनर से ही किया लेकिन दूसरे एंड से फास्ट बॉलर गस एटकिंसन ने 3 ओवर में 2 मेडन 2 रन दिए और 1 विकेट हासिल की. शोएब बशीर 8 ओवर में 29 रन दिए 1 विकेट हासिल की. जो रूट ने 1 ओवर करवाया 3 रन दिए जबकि रेहान अहमद ने भी 1 ही ओवर करवाया और 1 ओवर में 1 रन दिया. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views and interviews of sports personalities from around the world.